फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। अभी हम जो है जीएबी सीएबी के बहुत सारे क्वेश्चंस और डिस्कस करेंगे। होप आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी, तो देखते हैं क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, रिस्क अवेयरनेस डे ये कब मनाते हैं हम? 1 सितंबर। इसमें क्या बताया जाता है? इस दिन हम अपनी जो है रिस्क अवेयरनेस के रिगार्डिंग जो है अपने स्टाफ को अवेयर करते हैं। रिस्क कैसा हो सकता है बैंकिंग में कि कोई फ्रॉडलेंट ट्रांजेक्शन होगी, कुछ हो गया है ना, कुछ हमारे से गलत पोस्टिंग होगी, तो वो सारे रिस्क हैं, ऑपरेशनल रिस्क बोलते हैं। एएमएल या सेफ्टी सेल जयपुर इज हेडेड बाय एसबीआई का जो एएमएल सेफ्टी सेल है जयपुर में, वो कौन हेड करता है? जीएम साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रिजर्वेशन ऑफ बैंक रिकॉर्ड्स कम्स अंडर, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि जो बैंक के रिकॉर्ड्स होते हैं प्रिजर्व करे जाते हैं, तो वो किस एक्ट के अंदर आते हैं? तो वो ध्यान रखना कि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अंदर आते हैं। डिपॉजिट रिसिप्ट एडीआर, जीडीआर, आईडीआर आर ट्रेडेड एट, मतलब ये कहाँ पे ट्रेड होते हैं? एडीआर आपको पता है, अमेरिकन डिपॉजिट रिसिप्ट, ग्लोबल डिपॉजिट रिसिप्ट, इंडियन डिपॉजिट रिसिप्ट, तो ये सारे कहाँ ट्रेड होते हैं? स्टॉक एक्सचेंज ऑफ अदर कंट्री, मतलब अगर एडीआर है, इंडिया का पैसा अमेरिका में लग रहा है, तो वो स्टॉक एक्सचेंज पे होता है ट्रेड, लेकिन दूसरी कंट्री का। हाउ मच एफआईआई कैन इन्वेस्ट इन द स्टॉक एक्सचेंजेस इन इंडिया, जो बाहर के हैं वो हमारे इंडियन स्टॉक एक्सचेंज में कितना पैसा लगा सकते हैं? तो वो 49% है। ज़्यादा क्यों नहीं लगा सकते? ज़्यादा इसलिए नहीं लगा सकते क्योंकि अगर आपको पता है 50% से ज़्यादा अगर वो लगा देंगे तो सत्ता उनके हाथ में चली जाएगी, तो ऐसा ही ना हो कि फिर से जो है इंडिया गुलाम हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि डैश शेयर्स ऑन विच डिविडेंड एक्यूमुलेट्स इफ नॉट पेड, मतलब ऐसा कौन सा शेयर होता है जिसमें कि डिविडेंड अगर नहीं दिया है तो वो एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है और बाद में अगली बार जो मिलता है तो वो इकट्ठा होके मिलता है, तो वो है क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। क्या बोलते हैं उसको? क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स बोलते हैं, जो कि हमें इकट्ठा होके मिलता है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डैश बॉन्ड्स कैन बी कन्वर्टेड टू इक्विटी, ऐसे कौन से बॉन्ड्स हैं जो कि इक्विटी में कन्वर्ट हो सकते हैं? तो वो हैं हमारे कन्वर्टेबल बॉन्ड्स, ये इसका आंसर है। कन्वर्टेबल बॉन्ड्स जो है इक्विटी में कन्वर्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, डैश इज द वे ऑफ लिस्टिंग एंड ट्रेडिंग ऑफ द इश्यूअर कंपनी सिक्योरिटीज, मतलब ऐसे क्या तरीका है कि लिस्टिंग और ट्रेडिंग होती है नई कंपनी उसकी, तो वो आईपीओ के थ्रू होती है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग जिसे बोल देते हैं। किसी नई कंपनी ने अगर मार्केट से पैसा उठाना है तो वो क्या लेके आते हैं? आईपीओ लेके आते हैं अपना। व्हेन अ कंपनी सेलेक्ट्स अ ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर्स फॉर इन्वेस्टमेंट, मतलब कई बार क्या होता है कि कंपनी अपने हिसाब से चूज करती है कि मेरी कंपनी में कौन पैसा लगाएगा, तो उसे क्या बोल देते हैं? प्राइवेट प्लेसमेंट। ये क्वेश्चन भी कई बार आया है जिसमें कि पूछता है कि इन्वेस्टर को कैसे चूज कर सकते हैं, तो दैट इज प्राइवेट प्लेसमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टारगेट्स विद इन द प्राइवेट सेक्टर, टारगेट्स जो प्राइवेट सेक्टर में हैं, तो वो आपको एक चार्ट सा बना के समझा देंगे। उसमें चार्ट में दिया हुआ है कि वुमेन बेनिफिशरी है तो उसको इतना टारगेट है, ये सारे हैं लेकिन वो प्राइवेट सेक्टर के अंदर आते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, डिस्कवर्ड प्राइस इज, डिस्कवर्ड प्राइस किसे बोलते हैं? बुक बिल्डिंग इशू को डिस्कवर्ड प्राइस बोलते हैं, बुक बिल्डिंग इशू को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डैश फंड्स द इन्वेस्टमेंट इज मेड इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ऐसे कौन से फंड्स हैं जिसमें अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में जाता है, तो उसे बोलते हैं गिल्ट फंड्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश द सब्सक्रिप्शन एंड रीपर्चेज इज अवेलेबल ऑन अ कंटिन्यूस बेसिस, ऐसा कौन सा फंड है जिसमें कि सब्सक्रिप्शन और रीपरचेज हम कंटिन्यूअसली कर सकते हैं? जैसे कि मान लो कोई ऐसा म्यूचुअल फंड है जिसमें कि हम पैसा लगा भी सकते हैं और निकाल भी सकते हैं, तो उसे बोलते हैं ओपन एंडेड फंड। ओपन एंडेड फंड में आप कभी भी पैसा लगा सकते हो और कभी भी पैसा विड्रॉ कर सकते हो। क्लोज एंडेड फंड में ये होता है कि आप लिमिटेड टाइम पीरियड में पैसा लगा सकते हैं और मेच्योरिटी पे ही मिलता है आपको। ओ फ्रेंड्स, ये क्वेश्चंस आपको काफ़ी हेल्प कर रहे होंगे। थैंक यू फॉर लिसनिंग।